दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में बहुत बड़ा जलसा था और महामारी के दरमियान एक मंदिर के शिलान्यास या भूमि पूजन जो भी कहें उसके लिए भले ही संख्या लोगों की कम रखी गई थी क्योंकि मर्यादा का प्रश्न था, प्रोटोकॉल का प्रश्न था। जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा, उन्होंने राम के मर्यादा से जोड़ा मौजूदा प्रोटोकॉल को, तो उस वजह से संख्या कम थी, लेकिन इसका काफी महत्व बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री स्वयं ही मंदिर के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित थे और वो गए, उनके हाथों ही सब कुछ हुआ। ये अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत घटना है। और दूसरी घटना की आरएसएस के चीफ इस फंक्शन के विशिष्ट अतिथि थे और आरएसएस चीफ ने आज जो भाषण दिया वो हमेशा भाषण बहुत ही सारगर्भित देते हैं, आप उनकी बात से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उनके भाषण में कंटेंट जो है वो जबरदस्त भरा पड़ा होता है। आज उन्होंने रिवील किया अपने भाषण में कि जो बहुत सारे कमेंटेटर, इतिहासकार, समाजशास्त्री, कई लोग कहा कह दिया करते थे, संपादकों को मैंने कहते सुना है कि साहब ये तो हिंदुओं की भावना है, ये तो हिंदू आस्था का प्रश्न है, लोग इमोशनल होकर इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन आरएसएस चीफ ने बताया कि बाबा साहब देवरस के समय ये बाकायदा एक योजना बनी थी और अनेक लोगों के बीच में जब योजना टॉप जो आरएसएस के लोग थे जब ये गई तो सबने विचार विमर्श किया और बाबा साहब देवरस ने फिर निर्देश दिया कि 20-30 साल तक इस अभियान के लिए काम करना होगा, जी जान से जुटना होगा। और उसी के बाद से मैं समझता हूं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पालमपुर में जो प्रस्ताव आया सामने बीजेपी के और बहुत सारे और संगठनों ने जो तय किया, विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने, वो कुल मिलाकर बाला साहब देवरस के जमाने में जो एक थीसिस, परिकल्पना, अवधारणा सामने आई थी राम मंदिर के अभियान को आगे बढ़ाने की, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक आधार मिल सकता है। क्योंकि इसके पहले जो बीजेपी चुनाव लड़ती थी उसको सीटें कभी 2 मिलती थी, कभी 15 मिल जाती थी, कहीं कहीं 20 मिल जाती थी, कि राज्यों में कई जगह अधिकतम 30-35 मिलती थी। ऑल ऑफ सडन इस अभियान के बाद पार्टी एक बहुत बड़े दल के रूप में उभर गई। तो ये मैं समझता हूं कि आरएसएस चीफ का ये भाषण कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित परिकल्पना या एक प्रोजेक्ट, एक प्रकल्प का हिस्सा था, इसमें कोई अब संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने अपने ही स्वयं बता दिया। और जो आरएसएस के कई इंसाइडर जिनसे हम लोगों की बात होती है उनमें से एक इंसाइडर ने एक बार बहुत ही विश्वास के साथ बहुत ही पुख्ता ढंग से कहा कि मोरो पंत पिंगले नाम के आरएसएस के एक आइडियोलॉग ने सबसे पहले ये थीसिस सामने रखी थी, ये प्रोजेक्ट सामने रखा था कि इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए। ये 90 दशक के शुरू के दौर की बात है या उसके उत्तरार्ध की बात है संभवतः। और इसके बाद इसको अमली जामा बाला साहब देवरस के निर्देश पर पहनाया था आरएसएस ने या अन्य संगठनों ने। तो ये कुल मिलाकर आज बात पुख्ता ढंग से सामने आई दोस्तों। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं दोस्तों करना चाहता हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, मैं और सब बातों पे नहीं जाऊंगा, वो सब टेलीविजन अखबारों में आप देख लेंगे, लेकिन जो अखबार टेलीविजन आमतौर पे शायद नहीं बताएंगे वो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में आज राम मंदिर अभियान को, उनका शताब्दियों से उन्होंने जोड़ा कि शताब्दियों से चल रहा था, और लेकिन जो बाद के दिनों में यह संगठित रूप धारण किया उसकी तुलना उन्होंने महात्मा गांधी की अगुवाई में चले आजादी की लड़ाई से किया। और उन्होंने एक तरह से ये भी माना कि जो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसको मैं अपनी स्मृति से, अपनी मेमोरी से अपने शब्दों में पेश कर रहा हूं। एक तरह से उन्होंने अगर उस भाषण की व्याख्या की जाए तो 15 अगस्त के दिन को आज 5 अगस्त के दिन का एक तरह से काफी नजदीकी माना, लगा उनको ये लग रहा है कि जिस तरह आजादी की लड़ाई में
एक मुकाम हासिल किया था कामयाबी का अपने मुल्क ने 15 अगस्त को, ठीक उसी तरह से 5 अगस्त को शताब्दियों से चले आ रहे आंदोलन का या अभियान का, त्याग तपस्या बलिदान का, और बाद के दिनों में जो एक सघन अभियान हुआ आरएसएस बीएसपी और बीजेपी के नेतृत्व में, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं अपने शब्दों में, तो उसका आज 5 अगस्त को एक मुकाम, एक कामयाबी का मुकाम आया है। ये बात प्रधानमंत्री के भाषण से आज ध्वनित हुई। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को या इस पूरे इस प्रतीक को उन्होंने संस्कृति का आधुनिक प्रतीक कहा है, संस्कृति का आधुनिक प्रतीक। और जो मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी ने जो बातें कही उसमें एक बात और बहुत प्रमुखता के साथ ध्वनित हुई, और वो बार बार उसको एक राष्ट्रीय जो संस्कृति हमारी है, जो हमारी विरासत है, उससे वो जोड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर जो 5 अगस्त, 15 अगस्त और इसके अलावा अगर आप देखिए हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने और जो बड़े फैसले किए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये सवाल किए थे कि 5 अगस्त का दिन ही क्यों चुना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने या आरएसएस ने या इसके आयोजकों ने इस कार्यक्रम के, इस महामारी में, इस कोरोना दौर में जब पूरा देश तबाह है, बेहाल है, मौतें बढ़ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तो आखिर एक मंदिर के भूमि पूजन, चाहे वो जितना महत्वपूर्ण मंदिर हो, और राम में सबकी आस्था हो सकती है, अनेक असंख्य लोगों की आस्था हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये इस महीने में क्यों रखा गया? 22 दिसंबर भी रखा जा सकता था, ये 25 सितंबर भी रखा जा सकता था, 25 नवंबर भी रखा जा सकता था, 5 अगस्त क्यों? तो बहुत सारे व्याख्याकार मानते हैं कि कश्मीर के जो फैसला हुआ था 370 पर पिछली बार, पिछले साल 5 अगस्त को हुआ था, वह भी एक राष्ट्रवाद का, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का या हिंदू राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में जनसंघ जमाने से ही हमेशा 370 का इशू रहा है, और वो आचार संहिता का भी मसला रहा है, और बाद के दिनों में राम मंदिर का भी रहा है। तो ये जो तीन प्रमुख जो बुनियादी मुद्दे रहे हैं आरएसएस के या जनसंघ के या बीजेपी के, मैं समझता हूं कि उसमें 2 तो मिल गए 5 अगस्त को, लेकिन जो तीसरा जो मसला है आचार संहिता वगैरह का, हो सकता है कि समान आचार संहिता का मसला भी भविष्य में इसको अमली जामा पहनाने के लिए एक तारीख चुनी जाए, हो सकता है वो 5 अगस्त ही, वो भविष्य की कभी या न हो, लेकिन एक पहलू उभर कर सामने आया कि दोनों नेता कहीं ना कहीं जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं उस संस्कृति में हिंदू संस्कृति या हिंदू धार्मिक जो बोध है, हिंदू धार्मिक बोध जिसको आरएसएस अपने ढंग से पेश करता है, जो आरएसएस का बोध है, दरअसल वो सबसे डोमिनेंट है। तो अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो इस राम मंदिर के अभियान का एक दार्शनिक पक्ष पेश करता है या उसकी दार्शनिकता की बुनियाद रखता है, तो मैं समझता हूं कि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसकी बहुत सारे इसके ठोस संकेत आज के दोनों नेताओं के भाषणों से मिल गया है। और प्रधानमंत्री जी का आजादी की लड़ाई से इसको जोड़ना, कि जिस तरह आजादी की लड़ाई में एक मुकाम था, वैसे ही आज का मुकाम आया है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की अगुवाई में जिस तरह समाज के दलित, आदिवासी, ओबीसी तमाम तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था, ठीक उसी तरह से इस अभियान में भी दशकों, शताब्दियों और हाल के वर्षों से इन लोगों ने भाग लिया था, और आज उसका ये संकल्प पूरा हुआ है, इस तरह की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो ये जो दोनों जो समुच्चय है, ये दोनों जो एक तरह से जो दोनों जो बातें उभरती हैं, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ इंगित करती हैं, कि भारत के मौजूदा जो संवैधानिक लोकतंत्र है और जो आजादी की लड़ाई है उसके पैरेलल खड़ा किया जा रहा है, उसके समानांतर खड़ा किया जा रहा है एक मंदिर के अभियान को। और इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि लाखों मंदिर हैं,
लेकिन ये मंदिर सभी मंदिरों की एक तरह से उनके उनके शब्द मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि सभी मंदिरों का निचोड़ या सभी मंदिरों की बहुत सारी चीजें इसमें प्रतीक के रूप में मौजूद हैं जो ये राम मंदिर है। इसलिए ये एक अलग चीज है, एक विशिष्ट है और एक महान प्रतीक है, और वो प्रतीक मैं समझता हूं कि उनका इशारा सांस्कृतिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ था। लेकिन दोस्तों आज बहुत सारी पार्टियां जो अपने को सेकुलर डेमोक्रेटिक कहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमिटेड बताती हैं, वो भी इस बात से दुखी हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। बहुत सारे दलित ओबीसी संगठनों के लोग अब वो खुलकर इसका पक्ष ले रहे हैं, इस अभियान का जो एक समय विरोध किए थे। और तो और दलित अंबेडकराइट कुछ संगठनों के एक्टिविस्ट को मैं देखा कि वो कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को भी इनमें पुजारी पुरोहित रखा जाए इस मंदिर में। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं, कुछ पिछड़ेवादी पिछड़ावादी दलितवादी संगठन छोटे मोटे, कि राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं इसके लिए बुलाया गया, ये भी वो कह रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों इस देश में जिस व्यक्ति ने संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी सदारत की, उसकी अध्यक्षता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो आजादी की लड़ाई के दरमियान ही, अभी संविधान जब नहीं बना था तब भी वो ये बात कह रहे थे कि इस देश के लिए हिंदू राष्ट्रवाद कितना बड़ा खतरा है। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो इस देश के लिए उससे अशुभ कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार ने जो किताब छापी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उसके 15वें वॉल्यूम में भारत सरकार ने छापा है, उसके 15वें वॉल्यूम के 365 पेज पर बाबा साहब के ये वाक्य हैं कि अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए वह खतरे की बात होगी। और यही नहीं, वो कहते हैं कि हिंदुत्व स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। वो हिंदू धर्म की बात, धर्मावलंबियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। और ये बात उस व्यक्ति ने कही थी जिसका कहना था कि भारत को मजबूत करना है तो उसका रास्ता हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, उसका रास्ता वर्णवाद भी नहीं है, वर्ण का विनाश है और एक बेहतर ढंग के भारत का निर्माण स्वतंत्रता समानता भाईचारे के मूल्यों के साथ ही हो सकता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।